ऐसे डाल रहे हैं में बिल्कुल छोटा छोटा सा रीजन का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है जी नए व्लॉग में। आज की जो रेसिपी है वो बनेगी जी शाकशुका। ये मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बड़ी फेमस है, मतलब बड़ी नॉर्मल कॉमन सी एक डिश है जो कि इंडिया में भी आजकल बहुत फेमस है। वेरी इजी टू मेक, तो काफ़ी साल पहले बनाया करते थे जब हम बाहर रहते, तो आज हम दोबारा एक बार इसकी रेसिपी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने पैन लेना है, मैंने सिर्फ 3 अंडे का बनाना है क्योंकि मैंने अकेले ने खाना है। तो वैसे तो नॉर्मली ये वहाँ पे ओलिव ऑयल में बनता है, तो हम भी ओलिव ऑयल ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हमने ना गार्लिक डालना है सबसे पहले। ये चेक करो गार्लिक, ठीक है, ऐसे ही डाल देना, काटना नहीं है इसको, चेक करो गार्लिक हो गया। अब इसमें डालना हमने प्याज, तो अच्छे से मिक्स करो। जो स्मेल आ रही है ना भाई साहब, तो गार्लिक की स्मेल आ रही है तगड़ी। ये गार्लिक चेक करो एक बार, ऐसा करना है। प्याज हमारा हो गया, अब इसमें मैं डालना है टमाटर। ठीक है, टमाटर ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि टमाटर से ना ग्रेवी ज़्यादा बनेगी और ग्रेवी में ही वो। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देनी है, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा इसको ना सिम पे पकाना है आपने, ठीक है, क्योंकि अगर गैस तेज कर दी तो ये नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दैट आपने इसको बनाना है सिम पे। चिकन मसाला ये भी थोड़ा सा डालना है हमने, या तो गर्म मसाला भी डाल सकते हो, मेरे को वो पसंद नहीं है तो मैं अभी चिकन मसाला डाल रहा हूँ। ठीक है जी, और हल्का सा पानी डालना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा, मसाले मिक्स हो जाएं और नीचे ना लगे। अब थोड़ा सा जैसे पानी सूखेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे, अगली कार्रवाई करेंगे अगली। अब इसमें डालेंगे अंडे, ये हमारे अंडे जो है बिल्कुल छोटा छोटा साइज इनका, तो 3 डालने थे, अभी मैं 4 डाल दूँगा। ठीक है जी, अब आएगा बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो गैस को सिम पे करना है, ऐसे थोड़ी सी ना जगह बनानी है ऐसे यहाँ पे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा छोटा सा होल बना लेना और उसमें डालना है ये अंडा ऐसे। ठीक है जी, एक होल ऐसे यहाँ पे बना लेना है, एक यहाँ पे, लो गाइस 4 अंडे डाल दिए गैस इन पे। अब ना हल्का हल्का सा नमक डालना है, हल्का सा, मतलब हल्का सा ही। ठीक है जी, अब इसको ना ढकना है अच्छे से। ठीक है, सिम पे ढकना है, सिम करके 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है जी, लो गाइस पूरे 8 मिनट हो गए हैं। ओए होए होए होए, चेक करो जरा वड़ जो बेच, ओ माय गॉड क्या लग रहा है यार। चलो फिर अब करते हैं इसको ट्राई। लो जी चेक करो, ये जबरदस्त है, क्या लग रहा है भाई साहब, चेक करो। वैसे तो इसको ना खाते हैं बाहर ब्रेड के साथ, उनकी ना ब्रेड आती है लॉफ होते हैं लंबे लंबे से, उसके साथ खाते हैं, और हम ट्राई करेंगे चपाती के साथ। ओहो नहीं भाई साहब, ये देखो गार्लिक जो हमने डाला था, इसको
इसको लेंगे इसके साथ। नौ वर्ड। ओहो हो, इनी इजी रेसिपी है। वड्डी बाइट में ता ले रहे हैं, मेरे को रिहा ही नहीं जा रहा। इसमें ना वो भी डाल देते हैं, वो क्या बोलते हैं आवाज में, धनिया वगैरह डाल के, ठीक है, या कैप्सिकम डाल के, कैप्सिकम डाल सकते हो आप पहले, जैसे टमाटर डाले तभी कैप्सिकम डाल देने हैं आपने। ओहो, मोस्टली ये लोग ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट में खाते हैं ये, हम रात को इसलिए बना रहे हैं, अभी दिमाग में आ गया तो अंडे लेके आओ बना दो, 10-15 मिनट में बन जाती है रेसिपी। कैमरा सेटअप करना है, नेक्स्ट वीडियो तक शायद हो जाएगा। एक और चपाती जाते हैं। ओहो, जो गार्लिक आता है ना भाई साहब मुंह में, तबाही। रीत जब आएगा ना उसको ये खिलाएंगे, ठीक है। बाकी यार बड़ी इजी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है, हम तो जब बाहर बैचलर से तब बनाते थे। बाकी चलो इस वीडियो करते हैं ख़त्म। आई होप आपको पसंद आई, अगर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सैनिटाइज। बाय बाय।